सो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं आपके भी मोबाइल में ऐसा ही फोटो सेट हो, और जब आपके मोबाइल में कोई भी फ़ोन आए तो आप जैसे आईफोन में जैसे फ़ोन रिसीव होता है वैसे आपके फ़ोन में हो? तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मोबाइल में ऐसे ही आईफोन की तरह ये सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और जब भी फ़ोन आएगा तो जैसे आईफोन में फ़ोन को रिसीव किया जाता है और जैसे कट किया जाता है वैसे ही आप भी अपने फ़ोन में कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप ये आपका ये सवाल है कि ये कैसे करना है, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे आपको मोबाइल में कैसे सेट करना है और ये कैसे होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रू फोन। तो देखिए यहाँ पर ट्रू फोन आ गया, तो मैं यहाँ इसे ट्रू फोन पर क्लिक कर देता हूँ। और ट्रू फोन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आ गया, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा और इसे 4.1 की रेटिंग है और इसे 10 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। तो अच्छी खासी ऐप है और इसे बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा जो इसे आपको अलाउ कर देना। तो चलिए परमिशन है, इसे सेट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और इसे जो भी परमिशन मांग रहा है इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद इस तरह से कुछ फ्रेंड्स ये इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे में 3 डॉट दिख रहा है, आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का, तो आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है इनकमिंग एंड आउट गोइंग कॉल्स। तो यहाँ पर इनकमिंग आउट गोइंग कॉल्स को आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है इनकमिंग कॉल स्क्रीन, आपको यहाँ पर टच करना है। और टच करने के बाद फ्रेंड्स आपको फ़ोटो फुल स्क्रीन में चाहिए या हाफ स्क्रीन में चाहिए, यहाँ पे जैसा आपको सिंबल दिखा रहा है वैसा ही आएगा। आप जैसा रिसीव करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पे रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। तो आईफोन की तरह रखना चाहते हैं तो ये सेम रहने दें। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप फुल स्क्रीन में अगर फ़ोटो चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे ही ये सेकेंड वाले पर आप क्लिक करेंगे, सेकेंड वाले पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर वेयर स्टाइल लिखा हुआ है आईफोन। अगर आप कोई और फ़ोन के तरह चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग फ़ोन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं आईफोन के तरह ही इसे रहने देता हूँ और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। और फ्रेंड्स तो चलिए अब आपको फ़ोटो कैसे सेट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए हम इसे होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, और होम स्क्रीन पर आने के बाद फिर से मैं इस ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जो भी फ़ोटो आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको फ़ोटो सेट करके दिखाते हैं। इसके लिए जो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है, मैं इसे जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर को आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं, जिस नंबर से फ़ोन आया और उस पर वो फ़ोटो दिखे, तो उस प्रोफाइल को आप यहाँ से क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस प्रोफाइल को क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद फिर से इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप चाहे तो कैमरा से भी फ़ोटो ले सकते हैं और गैलरी से भी ले सकते हैं। तो गैलरी को यहाँ से टच कर लेते हैं, और गैलरी को टच करने के बाद आप जो भी फ़ोटो लेना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर लगा देना है फ्रेंड्स। और लगा देने के बाद इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको कॉल करके दिखा देते हैं ये कॉल होता है या जब इसे कॉल आएगा तो ये कैसा इंटरफेस आएगा। तो चलिए अब इसे हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद हम आपको अब कॉल करके दिखाते हैं ये कॉल कैसे होता है। तो देख लिया फ्रेंड्स, आप यहाँ से कॉल स्वाइप करके उठा सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं और यहाँ से मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पर भी फ्रेंड्स आप अपने फ़ोटो को लगा सकते हैं या किसी कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।